ये इसमें डू में हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कोबाल्ट और निकल, ये दो अनासिर को उसने एक ही जगह पे रखा। अब यहाँ पर ये इसका ड्रॉबैक है, क्लोरी कोबाल्ट और निकल की खसूसियत जो है क्लोरीन क्रोमीन ब्रोमीन की जैसी नहीं है। इसकी खसूसियत क्या था, इसका कानून क्या था कि हर पहला अंसर आठवें अंसर के मुशाबा खवास रखता है। तो मतलब अभी यहाँ पे जो इसकी तरह से तरतीब कभी दे देते हैं हम लोग इसको अनासिर को, ये याद करके, जैसे इसको याद करने के लिए कैसा कि एक तरीका भी है कि कैसे याद कर लो। देखो यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तो तुम लोग इसको लिख लेना लगे तो, लिया बेड़ी बलम का नाम ओह फ्लोरिडा, ना मांगू अल्लाह से पैसा सोना चांदी क्या क्या, ऐसे मतलब इतना तो कम से कम इतना याद हो जाएगा, कैल्शियम तक तो याद हो जाएगा। और आगे भी जब जिदवल आएगी मुजले की, उसमें भी एक बार यही पढ़ के सुनाऊंगा तुम लोगों को किस तरह से उसको याद कर लेना। ऐसे तुम लोग यूट्यूब पे उसकी टेक्निक देखेंगे तो बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक से तुम लोग जो है इन अनासिर को तरतीब से कम तुम लोगों को 20 अनासिर को तरतीब से याद रखना है। तरतीब से याद रखेंगे 20 अनासिर के, तो जो तरतीब में जो नंबर पे जो अदद आएगा, जो अनासिर आंसर आएगा, तो उसकी वो जोहरी अदद होगा। तो उसके आगे यहाँ पे और आगे चलते हैं मेंडलीव के, या भी यहाँ पर ये देखो आप पेन ले लो, तुम लोग सब कोई पेन ले लो अपने हाथ में, और किताब में अपनी जिदवल निकाल लेना तुम लोग, एक जिदोल जो तुम लोग की है किताब में, वो जिदोल निकाल लेना। तो अब ये जिदवल देखो यहाँ पर, या इसी जिदवल तुम लोग की किताब में है, पेन ले लो सब कोई अपने हाथ में, और ये तो पेंसिल ले लो, पेंसिल से किताब में लिख लो, या तो फिर तुम लोग पेंसिल से किताब में लिख लो, देखो यहां पर अनासिर के मुजले ने जो दर्जाबंदी की, जदीद दौरी जदवल की तवील सूरत ये दी हुई है, इसमें अनासिर को मुख्तलिफ तरीके से दर्जाबंदी की गई, और फिर दर्जाबंदी करने के बाद जितने भी अनासिर है सबको इस तरह से इसको जिदवल में फिल कर दिया गया। अब इसके ना मखसूस नाम है, जो यहाँ पर मखसूस कलर से जो दिखाए गए हैं उसके सबके मखसूस नाम है, और उन अनासिर को वैसा ग्रुप बनाया गया है, जैसे कि तुम लोग कभी यहाँ पे यहाँ तक का, ये जो यहाँ पे मेरे कर्सर रख लो कैल्शियम तक का, कैल्शियम तक के अनासिर को कभी तुम लोग को याद करना है तो कैसे याद कर लेने का, हे लिया बेड़ी बलम का नाम ओ फ्लोरिडा ने, ना मांगू अल्लाह से पैसा सोना चांदी और क्या क्या, ये 20 तक का तुम लोग ऐसे याद कर लेंगे। ये 20 जो है तुम लोग इस तरह से याद कर लेना। अब आगे जो है इसके अंदर ये अनासिर की जो किस्में हैं, कौन कौन सी अकसाम है अनासिर की अकसाम कौन सी है वो देखो, अनासिर की अकसाम लिख लो, पहले लिखो, पहले लिखो सब कोई लिख लो, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ, पहले है अलकली धातुओं का ग्रुप, अलकली धातुओं का ग्रुप, फिर दूसरा किस में लिखता हूं, अलकली जमीनी धाते, तीसरा है उबूरी अनासिर, चौथा है हेलो जन, फिर दूसरा है रईस गैसें या गैर आमिल गैसें, और लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ये सब जो है ये अनासिर के अकसाम। और इसमें से भी एक जो है एक आता है आम अनासिर। अब इसमें देखो जिदवल के अंदर, जिदवल में देखेंगे हम लोग, जी जी दोबारा।
देखो जरा ध्यान से, इस जदवल में अब तुम लोग सबको लिख लेना, ये जो है पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप लिख लेना, पहला ग्रुप को लिखो, पहला ग्रुप अल्कली धातु का ग्रुप, दूसरा ग्रुप अल्कली जमीनी धातु का ग्रुप, लिखते जाओ। यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ, ग्रुप नंबर एक जो रहेगा, ग्रुप एक जो रहेगा वो अल्कली धातु का ग्रुप, ग्रुप नंबर दो जो रहेगा वो अल्कली जमीनी धातु का, ग्रुप 3 से 12 जो रहेगा उबूरी अनासिर, ग्रुप 17 जो रहेगा, ग्रुप 17 हैलोजन ग्रुप, ग्रुप 18 गैर आमिल गैसें, या तो फिर तुम लोग नोबल गैस बोल सकते हो उसको, गैर आमिल गैसों का बोल सकते हो, साज गैसें बोल सकते हो, और आम अनासिर और लेंथेनाइज जो है वो थोड़ा सी अलग है। अब उसके आगे देखो, यहाँ पर जिदवल देखते हैं हम लोग, तुम लोग लिख चुके हो, जिदवल अपनी किताब वाली जिदवल देखो। अब तुम लोग से पूछा जाएगा कि जिदवल को कितने ग्रुप में तकसीम किया गया, कितने ब्लॉक्स में तकसीम किया गया, तो तुम लोग का जवाब आएगा 4 ब्लॉक। पहला ब्लॉक जो रहेगा एस ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक डी ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक पी ब्लॉक, और चौथा ब्लॉक एफ ब्लॉक रहेगा। अगर ग्रुप के हिसाब से तकसीम की गई, तो ग्रुप के हिसाब से तकसीम कभी करे तो तुम लोग लिख लो, वहां पे कॉपी में लिख लो, लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, या तो पेंसिल से नोट किताब में लिख लो, या कहीं भी लिख लो, लेकिन लिखो कि एस ब्लॉक में पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप आते हैं। एस ब्लॉक में, ये यहाँ पे एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक में पहला ग्रुप आता है और दूसरा ग्रुप आता है। मैं यहां से इसको खींच के यहां लेके आ जाता हूँ, इसको यहां डाल देता हूँ। जिद्वल जो हम लोगों की, इसको उठा के ले लेता हूँ यहाँ। तो ये जिद्वल में देख लो, यहाँ पे फिर से कहाँ गई जिद्वल, यहाँ पे लिखो, पेंसिल से लिख लो, पेन से लिख लो। पहला ब्लॉक जो होता है एस ब्लॉक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिखो साथ में लिखो मेरे, एक होता है एस ब्लॉक। जिद्वल को मुख्तलिफ ब्लॉक में तकसीम किया गया है, ब्लॉक नंबर एस एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब यहां से तुम लोग देखेंगे जिदवल में तो समझ में आती बात हम लोगों को, एस ब्लॉक में सिर्फ दो ही ग्रुप है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, ग्रुप एक नंबर का ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक का है, और ग्रुप दो भी जो है वो एस ब्लॉक का है। ग्रुप एक और ग्रुप दो एस ब्लॉक के हैं, जिसमें से ग्रुप एक को हम लोग बोलते हैं कि भाई अल्कली धातु का ग्रुप कहलाता है, और ग्रुप दो जो है वो अल्कली जमीनी धातु का ग्रुप कहलाता है। फिर उसके बाद देखेंगे ग्रुप डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक देख लेंगे जिदवल किताब में, देखेंगे
डी ब्लॉक जो है ये येलो कलर का जो है दिखता है यहाँ से यहाँ तक का डी ब्लॉक, जो कहाँ से शुरू होता है, ब्लॉक नंबर ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक का। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, ये भी याद कर लेंगे कि ग्रुप 3 से 12 तक का ग्रुप जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, डी ब्लॉक का रहेगा। और उस डी ब्लॉक को बोला जाता है, डी ब्लॉक में सारे के सारे जो आएंगे वो क्या रहेंगे, उभूरी अनासिर। और पी ब्लॉक में मिक्स है, सब मिक्स। पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक का है, पी ब्लॉक जो है 13 से लेके 18 ब्लॉक ग्रुप तक का, ग्रुप नंबर 13 से। जितवल देखेंगे, किताब भी हम लोगों के पास, और मैं तुम लोग को यहाँ भी दिखा देता हूँ, बहुत सारी जिदवल डाउनलोड करके रखा हूँ। देखो ये तो हम लोग की किताब की जिदवल है, पूरी पूरी उसी तरह से है। अब यहाँ पर हम लोग जो है सब इसको नाम दे दिए, तो अब यहाँ से 13 से लेके 18 तक का जो रहेगा वो पी ब्लॉक है, 13 से 18 पी ब्लॉक। अब उसमें जो है ना स्पेस, इसमें सब मिक्स अमाउंट ब्लॉक ये है अनासिर। जैसे कि अब इसमें कभी तुम लोग देखेंगे, इसमें देखते हैं कौन कौन से अनासिर आते हैं। एक तो होता है आम अनासिर, सॉरी जरा से ये लिखता हूँ सही से, लिख लेना आम अनासिर। दूसरा होगा, दूसरा एक मिनट जरा से, मैं इधर कोई आया हो तो उसकी एंट्री कर लेता हूँ, कोई एंट्री हो रही हो तो, कोई नहीं। दूसरा जो है आम अनासिर है, फिर एक होता है हेलोजन, मतलब ग्रुप 17। ग्रुप 17 स्पेसिफाई क्या करता है, ग्रुप 17 हेलोजन। ग्रुप 18 क्या स्पेसिफिक करता है, ग्रुप 18 गैर अमील गैस, यहाँ पे लिखा है हम लोग का। देखो ये लिखा है गैर अमील गैस, दिखता है कि ये है ना, 18 ग्रुप गैर अमील गैस का, 17 ग्रुप हेलोजन ग्रुप का। और भी इसमें पी ब्लॉक में और भी आज शामिल होते हैं, और भी क्या शामिल हो जाता है, धातु नुमा अनासिर की जमातबंदी धातु नुमा, अधात और धात में की गई है, तो इसमें धातु नुमा भी आता है। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसको एक सेंटेंस किताब में सेंटेंस इस तरह से है कि दौरी जुदवल में धातु नुमा को किस तरह से दिखाया गया है, या सवाल जो है ये जवाब हो गया। सवाल सवाल कैसा है, दूसरा सवाल है कि खमीदा लाइन से जिगजैग, यहाँ पे देखेंगे एक बोरॉन है, दूसरा सिलिकॉन है, फिर उसके बाद जर्मेनियम आर्सेनिक है, फिर ये है, फिर ये जो अनासिर जो जिगजैग से दिखाए गए हैं, ये अनासिर जो दिखाए गए हैं ये सारे के सारे क्या है, धातु नुमा अनासिर। तो खमीदा लाइन से दिखाए गए अनासिर कौन सी किस्म के है, तो उसका जवाब आ जाएगा धातु नुमा। अब हम लोगों का जो है बच क्या गया, एफ ब्लॉक बच गया। एफ ब्लॉक जो है नीचे दौरी दवल के नीचे एक अलहदा सिलसिला है, उस सिलसिले में दिखाया गया लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। देख लो यहाँ पे ये जो सिलसिला दिखता है नीचे यहाँ से यहाँ तक का, जो मेरे लिखा निशान लगा रहा दिख रहा है जो तुम लोगों को है ना, ये एक पहले दो सिलसिले नीचे नीचे के दो सिलसिले जो है उसमें से वो कहलाएगा, एक सिलसिला कहलाता है एक्टिनाइट्स एलिमेंट और एक सिलसिला कहलाता है लेंथेनाइट्स एलिमेंट। तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा जो सिलसिला है वो याद रख लेना, कि सवाल कभी आया ऐसा कि दौरी जदवल में जो अलहदा सिलसिले में जो अनासिर लिखा दिखाए गए तो वो कौन से हैं, तो तुम लोग उसका जवाब लिखेंगे लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स। और ऐसा कभी जो जो दो अलहदा सिलसिले दिखाए गए हैं जो दौरी जदवल में नीचे की सिंध में, उसमें ऊपर वाला सिलसिला कौन सा कहलाता है, तो तुम लोग का जवाब आएगा लेंथेनाइट्स का। नीचे वाला सिलसिला कौन सा है, तो उसका तुम लोग का जवाब आएगा एक्टिनाइट्स का, एक्टिनाइट्स और लेंटेनाइट्स। इतना याद कर लेना, इतनी बातें को याद कर लो, इसको समझ लो। अब इसको ऊपर जो है आगे का एक हिस्सा आता है, एक पॉइंट और भी आगे आता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले
ग्रुप को किस तरह से तोड़ के बताया गया। यहाँ पर अल्कली धातु ग्रुप, पहला ग्रुप अल्कली जानवी धातु ग्रुप, दूसरा ग्रुप उभरी अनासिर जो है 3 से 12 है, हैलोजन जो है 17 ग्रुप है, गैर आमिल गैस जो 18 ग्रुप है, और आम अनासिर जो है जो कि मिक्स में आता है, वो कहाँ पे आता है, पी में आता है, जिसमें आम अनासिर भी आते हैं। और आम अनासिर का हिस्सा जो है वो बच जाता है, जो कि किसमें चला जाता है, ग्रुप एक में हाइड्रोजन वाला, जिसका जौहरी कमियत जौहरी अदद जो है एक है। आगे दोहरी जदवल की दर्जाबंदी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की बिना पर, अभी यहाँ पर जरा सी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको जरा समझने की बहुत कोशिश करना, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की बिना पर अनासिर की जमात बनती, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की बिना पर अनासिर की जमात बनती। यहाँ पे थोड़ा सी अटपटा लगेगा, थोड़ा सी कभी तुम लोगों को कुछ आता नहीं है, कभी याद नहीं है और समझा नहीं है, तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, थोड़ा सी यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को सबर करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट क्लियर होगा आगे जाके। पहले तो लिखेंगे आम अनासिर, दूसरा लिखेंगे उबूरी अनासिर, तीसरा लिखेंगे दाखली उबूरी अनासिर, चौथा लिखेंगे गैर आमिल गैसें या नोबल गैस या रईस गैसें, रईस रे गैर आमिल गैसें, गैर आमिल गैस। अब यहाँ पे जो है ना, अभी जरा ध्यान से देख लो, अभी यहाँ पे थोड़ा सी प्रॉब्लम आएगा तुम लोग को। इसके जो है आखिरी दो खोल इसका सिर्फ आखिरी खोल नामुकम्मल होता है, नामुकम्मल खोल में सिर्फ आखिरी खोल नामुकम्मल। ऐसे अनासिर जिनका आखिरी खोल नामुकम्मल रहेगा वो आम अनासिर, ऐसे अनासिर जिनके आखिरी दो खोल नामुकम्मल, आखिरी दो खोल दाखली उबूरी अनासिर, ऐसे अनासिर जिनके आखिरी तीन खोल नामुकम्मल, और नोबल गैस ऐसे जिनके तमाम की तमाम खोल मुकम्मल। इसमें नामुकम्मल खोल रहेगा ही नहीं, नोबल गैस और गैर आमिल गैस मतलब एक ही है, इसमें तमाम खोल मुकम्मल तौर से पूर रहेंगे। एक एक मिसाल का भी देखेंगे इसमें, तो जाने दो बाद में देखते हैं। अब जो है ये खोल क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को समझने के लिए तुम लोग जो है, एक तो अनाज जौहर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को समझने के लिए उसके शेल को याद कर लो, शेल को याद कर लो, कैसे के शेल नंबर K L M N, और इसको ये सिर्फ ऐसा, सिर्फ ऐसा याद कर लो। बाज औकात कैसा होता है कि मतलब ये के शेल जो है नंबर एक शेल है, के शेल जो है नंबर एक शेल, के शेल को नंबर एक शेल दे दो। ये किताब में देखते हैं हम लोग, यहाँ ये देखो, ये यहाँ दिख रहा है के मदार, एल मदार, एम मदार, एन मदार। तो के मदार को नंबर एक शेल, नंबर एक शेल, नंबर दो शेल, नंबर तीन शेल, नंबर चार मदार, नंबर चार इस तरह से दिखाया गया। अब जो है इसमें मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, मुख्तलिफ मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी, तो मुख्तलिफ मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद को मालूम करने के लिए एक जाप्ता है, वो जाप्ता क्या है, वो है 2n2। अगर पहला मदार है, ध्यान से देख लो, अगर पहला मदार है, पहले मदार में इलेक्ट्रॉन की कितनी तादाद है, दूसरे मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, तीसरे मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है,
वो मालूम करने के लिए तुम लोग जो है उसको लिख लेना, वो जो जाप्ता लिख के दिया तुम लोगों को अभी मैं, 2n² बोल के, 2n² इज इक्वल टू मदार की तादाद, ठीक है। तो अगर पहला मदार रहा, जैसे यहां पर मैं लिखता हूं तुम लोगों को कि भाई मदार नंबर के, मदार नंबर के में n कितना है, मतलब पहला मदार है, अगर तुम लोग इसके अंदर कीमत रखे 2n² में, तो इसको हल करें तो 2 ضرب 1² = 2। पहले मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी, पहले मदार में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा मदार एल मदार है, एल मदार मतलब दूसरा मदार, दूसरे मदार की गुंजाइश कितनी है जाप्ते में रखे 2n² में, तो उसके बाद जो है 2 ये 2 का स्क्वायर, इसको हल करें आगे, 2 2 का स्क्वायर करें 4 हो गया, और ये 2 ضرب 8 4 करें कितना हो गया, 2 का स्क्वायर करें हम लोग 4 हो गया, 2 ضرب 8 कितना हो गया 8। दूसरे मदार की गुंजाइश कितनी है 8। ये जबानी हम लोग को याद भी करना है, ओरली हम लोग को याद हो जाना चाहिए। उसी तरह से तीसरे मदार का कर लो, एम मदार में जरा ध्यान से देखते दो, एम मदार, मदार नंबर कितना है 3 है, तो ये 2n² ये जाप्ता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या क्या किया जाता है, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो देख लो। तो तीसरा मदार है, अब यहाँ पर तीसरा मदार इसमें कीमत रखे 2 और ये 3, 3 का स्क्वायर करे और ये 2 3 का स्क्वायर करे 9 हुआ, और इसका जवाब आया हम लोग का 18। तीसरे मदार में 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथे मदार में तुम लोग करके देख लेना क्या जवाब आएगा, तो चैट बॉक्स में दे देना एन मदार में क्या जवाब आता है तुम लोगों का, मेरे को चैट बॉक्स में जवाब दे दो जल्दी से, किसका क्या जवाब आता है, तो मैं चैट बॉक्स चेक करता हूँ तुम लोग का किसका जवाब आता है सबसे पहले। मदार नंबर 4 में, मदार नंबर एन में, एन मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, इसका भी जवाब नहीं आया अभी तक का, सब कर ही रहे हैं, एक का भी जवाब नहीं आया। इलेक्ट्रॉन की तादाद छत्तीस आया, एक का 18 आया, 18 कैसे आएगा, चलो 2 का जवाब आया, एक जोरा एक जवाब, एक उमारा ने जवाब दे दिया, बाकी कुछ कर भी नहीं, बाकी को तो वो बंद भी है, हाशमी का भी कॉपी बंद दिख रही है और जोरा का तो मतलब बैक कैमरा बंद है अलबत्ता, लेकिन जवाब आ रहा है उसका, हाशमी का जवाब नहीं आया, हाशमी का जवाब 16 नहीं, 2 ضرب 16 16 2 6, चलो ओके, 32 जवाब आता है। यहाँ पे कीमत रखे, मदार नंबर क्या है, मदार नंबर 4, मदार नंबर 4 ये कर दिया 2 4 का मुरब्बा करे, जवाब आया 2 ضرب 4 का मुरब्बा करे 16, जवाब आया ओके 32। अब यहाँ पे अब जबानी जवाब कॉपी में देखना नहीं, मैं तुम लोग कुछ सवाल करता हूँ जबानी जबानी फटाफट जवाब देते चले जाना, बॉक्स सबको अपना ओपन करो, सवाल करता हूँ मैं, स्क्रीन हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, स्क्रीन देख लो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, यहाँ से स्क्रीन रिवाइज करता हूँ, देखो अल्कली धातु का ग्रुप ग्रुप नंबर 1, अल्कली धातु ग्रुप नंबर 2, फिर से याद रिमाइंड करो, उबूरी अनासिर ग्रुप नंबर 3 से 12, हेलोजन ग्रुप 17, ग्रुप गैर अमील गैसें ग्रुप 18, एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप है, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप अल्कली धातु का ग्रुप, दूसरा ग्रुप अल्कली जमीनी धातु का ग्रुप, डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक के तमाम अनासिर को डी ब्लॉक में शामिल किया गया है जो कि उबूरी अनासिर कहलाते हैं, पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से 18 के बीच में जितने भी अनासिर रहेंगे जितने सब सब के सब पी ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में मुख्तलिफ किस्म के अनासिर है, आम अनासिर, हेलोजन, गैर अमील गैसें और धातुमा, इन किस्म का अनासिर है, एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को शामिल किया गया है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के बिना पर अनासिर की जमात बन, आम अनासिर, उबूरी अनासिर, दाखिली उबूरी अनासिर और गैर अमील गैसें, तो सवाल इस तरह से आएगा कि गैर अमील गैसों में कितने मदार पूर होते हैं, तो तुम लोग का जवाब आएगा गैर अमील गैसों के तमाम मदार मुकम्मल तौर से पूर होते हैं, उबूरी अनासिर का जवाब आएगा कि इसके आखिरी 2 अनासिर, आखिरी 2 खोल ना मुकम्मल होते हैं,
इसका आखिरी तीन खोल नामुकम्मल होता है दाखिली उपग्रह से। सवाल आएगा ऐसा कि पहले मदार में इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश कितनी है, तो तुम लोग का जवाब आ जाएगा दो। कभी सवाल ऐसा आया कि एम मदार में कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा समा सकते हैं, तो तुम लोग का जवाब आएगा 18। सवाल सब करना शुरू कर रहा हूँ मैं चैट बॉक्स ओपन करो। सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ मैं। गैरामिल गैरामिल गैस का ग्रुप कौन सा है? ये कभी जवाब नहीं आया। गैरामिल गैस का ग्रुप कौन सा है? कभी जवाब नहीं आया। एक भी जवाब नहीं, एक भी जवाब नहीं आया। आठवीं आया 18, आठवीं 18। दूसरा सवाल, हाइड्रोजन ग्रुप का ग्रुप नंबर क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप का ग्रुप नंबर क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप का ग्रुप नंबर 17, सानिया 17। हाइड्रोजन सही जवाब, दोहरा सही जवाब। उबूरी अनासिर को कौन से ब्लॉक में रखा गया है? उबूरी अनासिर को कौन से ब्लॉक में रखा गया है? उबूरी अनासिर को कौन सा ब्लॉक में रखा गया है? तीन बार तो मैं सवाल पढ़ दिया, कौन से ब्लॉक में रखा गया है उबूरी अनासिर को? ये इसका जवाब जो आया है हाशमी का 3 से 12 ग्रुप आया, ये ब्लॉक पूछा गया, ब्लॉक ब्लॉक नंबर। एक का जवाब आया वो भी गलत। हुमैरा डी ब्लॉक, यस। जोरा डी ब्लॉक, हाशमी पी ब्लॉक गलत, सानिया डी ब्लॉक सही। अगला सवाल, जरा चीज टाइपिंग फास्ट करना। अगला सवाल, जरा टाइपिंग फास्ट करना। पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप रखे गए हैं और वो कौन से हैं? सवाल फिर से सुनेंगे, पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप रखे गए हैं और वो कौन से ग्रुप, कौन से अनासिर है? पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप रखे गए हैं, वो कौन से अनासिर है? पी 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 ब्लॉक पी पी नहीं, नंबर बताओ। इसका जवाब आया, सानिया का जवाब आया 13 से 18 और हेलोजन 17। कौन से टाइपिंग फास्ट करने बोला हूँ मैं तुम लोग को, कौन से? तो तुम लोग का जवाब आएगा हेलोजन आएगा, गैर अमिल गैस आएगा, आम अनासिर आएगा और हाइड्रोजन आएगा। नहीं आया किसकी टाइपिंग नहीं आई, मुझे जवाब दे दिया, जवाब तो मैं दे दिया आपके सवाल का। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें से कुछ छूटता है तो चैट बॉक्स में बता दो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसको क्लियर करके आगे बढ़ू। नहीं सर, इसमें जिसको भी चैट बॉक्स में बोल दो मैं आगे बढ़ू। हुमैरा कुछ नहीं, इसका मजा जोहरा को कुछ नहीं, और आगे बढ़ जाओ। हाँ इसका क्या हमारा का कुछ क्वेश्चन है, हमारा सवाल करो, क्या जवाब, क्या क्या क्लियर करने का पॉइंट। चलो ओके ठीक है, आगे देखो। आप कॉपी के, आप कॉपी लेके बैठो, आप कॉपी लेके बैठो। अब इलेक्ट्रॉन की तश्कील, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील याद हो गया सबको। सबसे पहले मैं लिखता हूं, देखो जरा ध्यान से, मैं लिखता हूं नियॉन, एनी लिखता हूं, जिद्वल में से देखकर इसका जौहरियत बता दो मेरे को क्या है। तो यह तो कमियत आदत, जोहरी कमियत आदत, जोहरी कमियत आदत क्या है जिद्वल में से देखो,
ये तो वाला ओपन करता हूं मैं, देखो यहाँ पे नियॉन, यहाँ पे दिखा सबको लास्ट में, एची के नीचे नियॉन दिखा, उसका जौहरी कमियत कितना है 10। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग मदार में, लेकिन इस तरह से है, इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है 2 है, 8 है, 8 के बाद कितनी है 18 है, उसके बाद 32 है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर टोटल जौहरी कमियत कितना है इसका 10। जितना जौहरी कमियत रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना जौहरी कमियत रहेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको मदार में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले मदार में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तुम लोगों ने पहले मदार में रख दिए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, उस 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, हम दूसरे मदार में रख देंगे। ये हो गए उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, किसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हो गई है, ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हो गई, ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हो गई 2.8, 2.8 नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हो गई। उसके बाद जो है सोडियम लिखता हूं मैं यहाँ पे, Na, Na का से दो गया, 10 10 में से Na का हमें दो जौहरी कमियत कितना है 11, जौहरी कमियत 11, पहले मदार में ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश है 2 की, दूसरे मदार में 2 11 थे, 2 चले गए, बचे कितने उसके 9, 9 में से 8 दूसरे मदार में, 8 से ज्यादा आ नहीं सकते, 11 थे, 11 में से 10 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तीसरे मदार में कितना आएगा 1। उसके आगे सोडियम हो गया, आर्गन लिखता हूँ, आर्गन, आर्गन का आर्गन Ar, उसका जौहरी कम जौहरी कमियत अदद जो है ये 18 है, इस 18 को डिस्ट्रीब्यूट करा, पहले मदार में 2, दूसरे मदार में 8, 18 में से 10 चले गए और तीसरे मदार में 8, बचे जितने उतने मदार में आगे आ ये मदार में। अब यहाँ पे हम लोग जो है कुछ अनासिर की तुम लोग दर्जाबंदी करो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पहले तो लिखता हूँ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना है, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना है, लिथियम की लिखना है, लिथियम के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील तुम लोग को लिखना है बेरिलियम की, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद नियॉन की। अब ये जो क्या है, ये पहले 10 अनासिर, ये क्या है पहले 10 अनासिर, ये देखो यहाँ पे पहले 10 अनासिर बोर्ड पे देखो, पहले 10 अनासिर, और इसका जोहरी कमियत जो है पहले 10 अनासिर कैसे याद कर लेंगे, हे लिया बेड़ी बलम का नाम ओ फ्लोरिडा ने, हे लिया बेड़ी बलम का नाम ओ फ्लोरिडा ने, ये 10 अनासिर जो है तरतीब से याद कर लिए, तो इसका जौहरी कमियत जो है लिखने की याद करने की जरूरत नहीं, इसको नंबर से लिख देने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी टुकड़ा ठीक मेरे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ छूट गया क्या, हीलियम लिखा, बेरियम लिखा, यहाँ पे एक आएगा बोरॉन, लिया बेड़ी बलम, बेड़ी 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 के बाद बलम, बलम बलम देख लो जरा से एक बार फिर से, लिया बेड़ी बलम का, बलम का लिया बेड़ी बलम का नाम ओ फ्लोरिडा ने,
ये हो गया उसकी इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी ये हो गया उसके जोहरी कमियत अदद, ये कमियत अदद बोल सकते हैं। अब इसके अंदर जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले मदार में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो पहले मदार की गुंजाइश दो की है इसलिए दो इलेक्ट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखते जाओ, इसके अंदर पहले मदार में दो इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है और तीन इलेक्ट्रॉन थे और दूसरे मदार में एक, इसमें पहले मदार में दो और दूसरे मदार में दो, चार इलेक्ट्रॉन थे, इसके पहले मदार में दो और पांच इलेक्ट्रॉन थे, बचे तीन इलेक्ट्रॉन दूसरे मदार में इसके, इस तरह से इसका इस तरह से आप कभी, मैं तुम लोग को बोला दूसरा नाम लिखो, मैं यहां से आगे आगे का लिखता हूँ। आगे क्या है देखो यहाँ पे जरा फिर से एक बार देखो, जिधोल ये याद कर लो लेकिन ना इसको लिख लो, लिखेंगे नहीं ना तो आएगा नहीं, ये बात दिमाग में रख लो। देखो दिया बेड़ी ब्रह्म का नाम हो फ्लोरिडा ने, ना मांगो अल्लाह से पैसा सोना चांदी और क्या क्या, यहाँ तक का लिखो, 20 तक लिखो सब कोई, लिखो सब कोई, एन ए एम जी एल सी एस आई लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर लिखना रहेगी यहाँ पे। ना मांगो, ना मांगो, मांगो अल्लाह सर सबकी लिखनी है, लिखो ना इसके, लिखो इसके तो लिख लिए 11 जोहरी कमियत, इसका 12 नाम, इसका 13 पैसा सोना चांदी, ऐसा सुनो नीचे नाम लिखा रिस्ट, देखो यहाँ पे हो गया 14, 15, 16, 17, 19, 20 इसके इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर देखो, पहले मदार में गुंजाइश दो की है, दूसरे में 8 की है, 2 और 8 10 हो गया और 11 तीसरे मदार में, तीसरे बाद उसके बाद देखे कभी हम लोग यहाँ पे तो 2, 8, 2 दूसरे में ये दिख रहा है ना तो बैक कैमरा। देखो आप जरा यहाँ पे देखो ये दिख रहा है सबको, तस्वीर के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसको कोई प्रॉब्लम है कभी तो चैट बॉक्स में बोलो कि क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते आता है क्या, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की तस्वीर तुम लोग को बता दिया यहाँ पे सारी की सारी, ये सारी की सारी बता दी। इसके बाद एक पॉइंट और क्लियर करेंगे और उसके बाद बस करेंगे क्लास को, क्लास खत्म करेंगे इसके बाद,
इसके बाद एक पॉइंट, इसको पहले ये समझ लो, ये समझ रहा था सबको, ये याद रखना है, इसको कॉपी भी लिख के रखना, आगे के लिए सवाल पूछेंगे इसके अंदर तो तुम लोग को जवाब देते आना चाहिए, रेंडमली सवाल आता है। देखो अब यहाँ पे ये नाम सब याद कर लो, देखो इधर लिख लो, पहले तो ये बता दो कि ये पॉइंट क्लियर होता है कि तुम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, इलेक्ट्रॉन की तश्कील का। हाँ, चलो ओके, आगे देखते, देखो आगे ये नाम लिख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन, अर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। सवाल आता है, सवाल इस तरह से था कि ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील दे दी जाएगी। अच्छा ये देखो यहाँ पे, और तुम लोग से पूछा जाएगा किसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, देखो यहाँ पर ये एक बॉक्स बनाया, मैं ग्रुप बना दिया इसके अंदर, ये ग्रुप बनाता हूँ, ग्रुप किस तरह से, एक ग्रुप जो है ये ग्रुप है, एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप जो है तुम लोग को क्या समझ में आता है ये बताने का, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और तीसरा ग्रुप जो है ये तीसरा ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देख के तुम लोगों को क्या समझ में आता है बोलो तुम, जो पहला दो दिखता है उसके अंदर कितने मदार है, इसमें जो है एक ही मदार है, और यहां से लेके यहां तक कितने मदार है, सब में दो मदार है। हाँ सर। यहां से लेके यहां तक सब में कितने मदार है, तीन मदार। आप कभी तुम लोग देखे जिद्वल निकालो अपनी कॉपी के अंदर, जिद्वल अपनी कॉपी के अंदर निकालो, या तो मैं यहाँ से निकाल के बताता हूँ तुम लोग को जिद्वल, ये देखो ये जिद्वल है। पहले मदार में, पहला मदार, पहले ग्रुप, पहला दौर जो है, पहले दौर में कितने अनासिर है, दो ही अनासिर है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम है, तो उसमें एक मदार। दूसरे दौर में ये सारे अनासिर है तो उसमें दो मदार, तीसरे दौर में ये सारे अनासिर है उसमें तीन मदार, और चौथे दौर में दो अनासिर है। देखो चौथे दौर में, चौथे दौर यहाँ से यहाँ तक का मैं एक साथ कर दिया इसको, चौथे दौर में दो अनासिर, इसमें चार मदार है, चार मदार। आओ तुम लोग वॉइस बंद कर दिया करो, तुम लोग का वो रिकॉर्ड होता है ना तो आवाज आ जाती है तुम लोगों को, दूसरी दूसरी आवाज आ जाती है, मैं यहाँ से बंद करता हूँ बार बार जाके बाहर। हाँ तो यहाँ यहाँ पे पॉइंट लिख लो पेंसिल से, जहाँ पे जिद्वल है तुम लोग की वहीं लिख लो, जिद्वल जहाँ पे वहां लिख लो, या जहाँ पे तुम लोग नोट कर रहे हो वहां लिख लो, पॉइंट लिखो के दौर नंबर, आंसर का दौर नंबर मदार की तादाद को जाहिर करता है। अगला पॉइंट लिखो, दौर नंबर मदार की तादाद को जाहिर करता है। अगला पॉइंट लिखो, आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद ग्रुप नंबर को जाहिर करता है। आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद ग्रुप नंबर को जाहिर करता है। आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद ग्रुप नंबर को जाहिर करता है। ये दो पॉइंट है। उसके बाद जो है एक पॉइंट और भी है, उसके अंदर जरा ध्यान से देखो, ये तो ये अनासिर कौन से हैं, ये अनासिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन जो है ये 17 ग्रुप के अनासिर है, और ये सब के सब अनासिर कौन से है, हैलोजन ग्रुप, 17 ग्रुप के अनासिर को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। इसकी एक स्पेसिफिक, इसकी अलग से खसूसियत आएगी, इसकी जब पढ़ाई करेंगे हम लोग आगे के पॉइंट में, कभी एक लेक्चर कभी अगला चला ना तो उसमें पॉइंट टू क्लियर करेंगे। आगे देखो इसमें
ये देखो ये पॉइंट जरा ध्यान से देखो, पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 ध्यान से देखो जरा से, पेज नंबर 26 को पढ़ो, पढ़ेंगे जब हम लोग कभी पेज नंबर 26, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आएंगे, इसके अंदर सवालात आएंगे, जैसे सवाल पूरी जिदवल इस तरह से बनी रहेगी, जो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ दिखता है ना तुम लोगों को, दिख रहा है ना ये लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ दिखता है ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ जो दिख रहा है ये नहीं रहेगा, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो तुम लोगों को लिखा हुआ रहेगा नहीं, तो तुम लोगों को पर तुम लोगों से सवाल पूछा जाएगा। अब एक सवाल ऐसे तुम लोग से पूछ लेता हूँ, ये जो रेड से ऐसे जिगजैग जिगजैग बना है ना, ठीक है, जिगजैग जिगजैग बना, तो जो जो इस कलर में, जैसे यहाँ पे देखो इस कलर में जितने भी अनासिर है वो सबके सब क्या है, चैट बॉक्स में बता दो जरा से मेरे को, सबके सब अनासिर कौन से, यहाँ पे मैं बता चुका था खमीदा लाइन का लफ्ज इस्तेमाल किया था, और यहाँ भी लिखा हुआ भी है, सबके सब क्या है, धातुनुमा, जिद्वल में से देख के सब लिख लो, जिद्वल में से देख के धातुनुमा की अलामत लिख लो सबको अपनी कॉपी में, धातुनुमा कौन कौन से है वो लिख लो अपनी कॉपी में, धातुनुमा कौन से है वो लिख लो जिद्वल में से देख के, आगे देखो, ये इसमें थोड़ा सी टिपिकल है क्वेश्चन, मुश्किल हो जाएगा लेकिन जरा ध्यान देंगे ना तो बात समझेगी, जौहरी निस्प कुत्र बतदरीज कब होता है, देखो यहाँ पे इस तरह से, ये क्या है लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट टू राइट जो है जौहरी निस्प कुत्र कम हो जाएगा, मनफी बरकीदगी बरकीदगी और आधातिक खवास बतदरीज बढ़ते हैं, मजबत बरकीदगी और धातिक खवास बतदरीज कम होते हैं, वैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ये याद कर लेने का, लेकिन अब इसको समझना है, इसको समझना है, क्या समझना है इसके अंदर, इसके अंदर ये समझना है कि जौहरी निष्पकुत्र बतदरीज कम होता है, जौहरी निष्पकुत्र बतदरीज कम होता है, ये पॉइंट देखो जरा यहाँ पे जो हम लोग लिखे है, जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे जिद्वल के अंदर, लेफ्ट टू राइट जाएंगे जैसे जैसे तुम लोग, तो जौहरी कमियत जो रहेगी वो बढ़ती जाती है, जौहरी कमियत अदद जो है, कमियत अदद बढ़ता जाता है, जौहरी कमियत अदद बढ़ता जाएगा मतलब कैसे कैसे, कि भाई एक का जौहरी कमियत अदद कितना है, 3 है, इधर तुम लोग जा रहे हो, दूसरे का जौहरी कमियत अदद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होते चला जाएगा, वो जाता कहाँ तक का है, वो 10 तक का जाता है, फिर 11 से जो है फिर नीचे आ जाएगा इधर, लेकिन अभी तुम लोग जो है फिलहाल इसको याद करो। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये मरकज़ा है जौहर का मरकज़ा, ये पहला मदार, ध्यान से देखेंगे ये पहला मदार और ये दूसरा मदार, पहले मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 2, दूसरे मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 1, किसके लिए, इसके लिए। अब यहाँ पर जो मदार की तादाद है, मदार की तादाद आखिरी मदार में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही मनफी बरकीदा जुज्व है, एक ही मनफी बरकीदा जुज्व है, तो ये जो रहेगा ये यहाँ पर मजबत बरकीदा है और ये मनफी है, तो दोनों जो है फितरी चीज है, दोनों एक दूसरे को कशिश करते हैं, जरा ध्यान से सुनो, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कशिश करते हैं, कशिश करने के बाद जो है एक एक है तो वो दूर रहेगा, ये जो रहेगा इसका फासला जो रहेगा ज्यादा रहेगा। आप ऐसे ही कभी कभी तुम लोग और आगे गए और आगे जाते हो, तुम लोग इस 4 के ऊपर चले जाते हो, 4 के ऊपर चले जाते हो, तो यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको खींचेगा, जब ये खींचेगा तो मदार जो है जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ये फासला जो है मरकज का फासला ये कम हो जाएगा, फासला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसको ही बोलते हैं जौहरी निष्पकुत्र।
आखिरी मदार से मरकज का दरमियानी फासला जो रहेगा वो जौहरी निस्प कुतुब। तो आखिरी मदार में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिसमें आखिरी मदार में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसका मरकज का दरमियानी फासला कम रहेगा। और वही बयान जो है इसमें बताया जा रहा है तुम लोगों को कि जौहरी निस्प कुतुब बतदरीज कम होते जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का तेदाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जौहरी निस्प कुतुब बढ़ता जाएगा और मनफी बरकीदगी और आधातिक खवास बतदरीज बढ़ते जाते हैं। मनफी बरकीदगी और आधातिक खवास मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो है धातु का ग्रुप है और बीच में जो है 3 से 12 के बीच में उसको तुम लोग ने याद भी करे थे कि वो सब के सब क्या है, उबूरी अनासिर है। उबूरी अनासिर मतलब ये कि सब के सब उबूरी अनासिर मतलब तमाम की तमाम धाती है उसमें। और जैसे ही तुम लोग 3 से 12 को पार करते हो, 3 से 12 जैसे ही पार करे तो वैसी के सारे क्या आने लग जाते हैं, धाते अधाते आने लग जाती है। तो वही वही पे वो जुमला बोला है मनफी बरकीदगी और अधाती खवास बतदरीज बढ़ते जाते। मनफी बरकीदगी का मसला क्या होता है, मनफी बरकीदगी किसको बोलते हैं, जुमला जरा से ध्यान से सुनो और कभी सुन लेंगे तो याद करने की कोशिश करना, मनफी बरकीदगी बोलते किसको है देखो जरा जुमला। एक दौर में ये दौर है, ये दौर आड़ा आड़ा दौर है, इससे पहले बताए, एक दौर में बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हुए बैरूनी मदार में मतलब बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है बढ़ते जाती है, मरकजा में मजबत बरकी बार में बतदरीज अजाफा होने और जौहरी निस्प कुतुब में बतदरीज कमी होने से मरकजी बरकी बार में भी अजाफा हो जाता है और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन ज्यादा कुव्वत कशिश रखती है और कुव्वत कशिश मजबूती से खींची हुई हालत में रखे जाते हैं, उसे जौहर की मनफी बरकीदगी कहते हैं। और इसका उल्टा जो आएगा वो क्या कहलाएगा, मजबत बरकीदगी। यहाँ पे लिखा है तीसरा, ऊपर से नीचे मजबत बरकीदगी, इधर से मनफी बरकीदगी, ये फिर ये याद रख लेने का। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं और इसको तुम लोग अच्छे जहन में रख लो और आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। और कभी किसको इस ताल्लुक से कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो क्लास को लेफ्ट करो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्लास को लेफ्ट कर दो। कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्लास को लेफ्ट कर दो, बंद कर दो। अच्छा क्या नहीं समझा, अब वॉइस में बोलना पड़ेगा भाई, तो हुमैरा माइक चालू करके पूछ लो। हुमैरा वॉइस में पूछ लो, माइक चालू करके पूछ। मनफी बरकीदगी, ओके मनफी बरकीदगी नहीं समझा, ठीक है। देखो इधर किधर गए अपन, कहाँ थे, यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना मनफी बरकीदगी को, जरा ध्यान से सुनना। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि दौर में बाएं से दाएं जानिब जाते हैं तो बैरूनी मदार वही रहता है दौर में, ये दौर दूसरा दौर है, सब जितने भी अनासिर रहेंगे यहाँ से यहाँ तक का जितने भी अनासिर रहेंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो देखो ये दौर में हम लोग लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन आगे जाते हैं तो बैरूनी मदार वही रहेगा, बैरूनी मदार वही रहेगा मतलब क्या, दूसरा मदार ही बैरूनी मदार है। क्यों हम लोग क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग दौर में चल रहे हैं, एक ही दौर में चल रहे तो बैरूनी मदार क्या है वही रहेगा, बैरूनी मदार वही रहेगा लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे बैरूनी मदार वही है, इलेक्ट्रॉन की तादाद इसमें बढ़ गई, फिर बढ़ गई। अब सवाल में पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जो होता है मनफी बारदार होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है मनफी बारदार होता है। अब इसको शॉर्ट में इसी चीज को समझ लो कि इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है इसलिए मनफी बरकीदगी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है इसलिए मनफी बरकीदगी बढ़ती है। लेकिन साथ में सवाल क्या आता है, साथ में सवाल ये आता है कि आधाती खसूसियत भी बतदरीज बढ़ती है। जुमला जरा ध्यान से सुना, एक पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। स्टाइलिश आ गया,
इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद, इलेक्ट्रॉन जो होता है मनफी बार होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है मनफी बार होता है, तो इन मनफी बार की कीमत जो है ये बढ़ती चली जाती है, इसमें एक है दो है, इसलिए मनफी बरकीदगी होती है। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरी चीज जरा ध्यान से सुनेंगे कि धाते जो होती है इलेक्ट्रॉन को खो देती, इलेक्ट्रॉन को खो देती या खारिज कर देती। अच्छा, लफ्ज को खोना है, खोने को समझने के लिए खारिज लिखा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन खो दिया, इलेक्ट्रॉन खो दिया किसी अंसर के जौहर में, किसी अंसर के जौहर में, जैसे कि उसका जौहरी अदद तीन है, जौहरी अदद कितना उसका तीन, तो उसमें जो है तीन मजबूत होते हैं और तीन मनफी होते हैं। जरा ध्यान से सुनना, तीन मजबूत होते हैं, तीन मनफी होते हैं। अब मनफी में से एक दे दिया वो, तो अब मनफी कितने हो गए उसमें, दो हो गए, दो मनफी और तीन मजबूत, तो तीन मजबूत हो गए, तो इसलिए जो होती है धाते जो होती है धाते मजबूत बार होती है, मजबूत आयन बनाती है, क्योंकि उसके अंदर तादाद जो होती है मजबूत की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खो देती है। और इसके बरक्स जो होता है अधाते जो होती है, अधाते इलेक्ट्रॉन हासिल करती है, अधाते इलेक्ट्रॉन को हासिल करती है, इलेक्ट्रॉन हासिल करती है, मतलब माइनस बार जो है, माइनस बार उसके अंदर बढ़ता है, माइनस बार बढ़ता है। जैसे एक फ्लोरीन की मिसाल ले लेते हैं, फ्लोरीन की मिसाल ले ली हम लोग यहाँ से, फ्लोरीन कहाँ पे था, यहीं पे फ्लोरीन है, ये ज्यादा दूर नहीं जाते, यहीं पे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सात, आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन है, सात, लेकिन इसको फुलफिल करने के कारण क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन और जमा कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, ये हासिल करेगा, तो इसमें हो जाए कितने, आठ। तो अधाते जो होती है इलेक्ट्रॉन को हासिल करती है, इसलिए जुमला लिखा गया है, इसलिए जुमला लिखा गया है, कौन सा जुमला लिखा गया है, इसलिए ये जुमला लिखा गया है यहाँ पे के मनफी बरकीदगी का मतलब ये कि मनफी बरकीदगी का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन का तादाद बढ़ते जाती है, इसलिए मनफी बरकीदगी। आधातिक खवास, आधातिक खवास का मतलब ये कि भाई तुम लोग यहाँ से यहाँ तक का चलेंगे तो धाते इलेक्ट्रॉन का खोने का रुझान जो है, इलेक्ट्रॉन का खोने का रुझान कम होता जाता है, और जैसे ही तुम लोग यहाँ पहुंचते तो इलेक्ट्रॉन हासिल करने का रुझान ज्यादा हो जाता है, इसलिए जो है मनफी बरकीदगी और आधातिक खसूसियात बतदरीज बढ़ते हैं, और इसका उल्टा जो रहेगा वो मजबूत बरकीदगी रहेगा। और कभी कुछ और कुछ प्रॉब्लम क्लियर होता है कि नहीं होता, क्लियर कर लो बात को। और कुछ प्रॉब्लम चैट पे बॉक्स में पूछ लो, क्लियर हो गया हुमेरा, आधे घंटे की क्लास थी वो एक घंटा हो गया, ओके, नहीं तो व्हाट्सएप पे क्लियर कर लेना, फोन पे क्लियर कर लेना, जोरा क्लियर, चलो लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, क्लास खत्म करो।